हाईवे पर तेज रफ्तार के साथ छोटे और बड़े वाहनों का आवागमन लगातार शुरू रहता है और जब जब वाहन धारकों का वाहन से नियंत्रण छूटता है तब तक कोई ना कोई बड़ा हादसा भी होता है। जी हाँ, कोंडाली अमरावती नागपुर हाईवे पर प्याज से लदा एक ट्रक तेज गति से आ रहा था। ठीक उसी समय दो व्यक्ति एक दुपहिया वाहन पर अपने घर जा रहे थे, तभी अचानक तेज गति से आ रहे ट्रक ने दुपहिया वाहन को कट मारा जिससे दुपहिया वाहन धारक सड़क पर फेंके गए। उसी दरमियान प्याज भरा ट्रक का संतुलन भी खो देने से सड़क पर ट्रक पलटी हो गया। इस घटना में किसी भी प्रकार की जीवित हानि नहीं हुई है, लेकिन दुपहिया वाहन धारक व्यक्ति को थोड़ी बहुत चोटें आई हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ है, तीन भाई साहब ने देखा। भाई साहब का नाम योगेश गोस्वामी। हाँ, तो ये कैसे हुआ था, आपने देखा थोड़ा? मोटरसाइकिल वाला उधर से आ रहा था। ओके। वो बीच में रोड के बीच में आया, उसको बचाने के चक्कर में ट्रक वाले ने डिवाइडर पे चढ़ा दिया। ओके। कुछ हानि हुई, जीवित हानि हुई किसी की? जीवित हानि हुई नहीं, हाँ। वो इंजर्ड है वो मोटरसाइकिल वाला। अच्छा, मोटरसाइकिल इंजर्ड है। दो जन थे, एक जने को मार रहे हैं, एक जन भग गया। कोई ड्रिंक करके था इसमें, क्या लगता है आपको? बता नहीं सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं भीड़ भी यहाँ बहुत के, बहुत लोगों ने इनको मदद की है, ट्रक वालों को भी बचाया गया, बाइक वाले को बचाया गया। हानि तो हुई नहीं, लेकिन सिर्फ थोड़ी बहुत हानि हुई है। सतीश कुमार राठौड़ के साथ NBCN न्यूज़ नागपुर।